सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुबे की इस नए वीडियो में। सो गाइस, फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फेसबुक की इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। यानी कि गाइस, अगर फेसबुक से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो जिसमें आप फेसबुक से लॉग इन करने के लिए आपसे कहा जाता है, तो इस तरह के एप्लीकेशन में जहाँ पर आपको पासवर्ड लगता है, जहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाता है, वहाँ पर आप बिना पासवर्ड के उस एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हो जो कि फेसबुक से लॉग इन करने वाले एप्लीकेशन होते हैं। तो फेसबुक का ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से अगर आपका पासवर्ड भूल गए हो अपने फेसबुक आईडी का, फिर भी आप फेसबुक में यूज़ करने वाले एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिन एप्लीकेशन या फिर जिन वेबसाइट के अंदर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है आपके फेसबुक आईडी से या फिर गूगल से या फिर किसी भी आईडी से। जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए पबजी को ले लेता हूँ, अगर आप पबजी गेम में लॉगिन करते हो तो आपको फेसबुक से लॉगिन करने के लिए, ट्विटर से लॉगिन करने के लिए, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसमें आपको फेसबुक से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, लेकिन हमारा फेसबुक आईडी जो है वो हमारे फेसबुक के एप्लीकेशन में लॉगिन हुआ रहता है। वैसे अगर आप सोचोगे कि आपका फेसबुक आईडी आपके फेसबुक ऐप में लॉगिन है तो आप उसका पासवर्ड आप निकाल सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप पासवर्ड नहीं निकाल पाते हो। तो ऐसे में जो आपका दूसरा ऐप है जिसमें आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको पासवर्ड नहीं मिल पाता है। तो इसी के लिए फेसबुक ने एक सेटिंग, एक फीचर फेसबुक में दिया है जो कि आप लोगों को यूज करना चाहिए इस तरह के प्लेसेस पर। यानी कि इससे होगा क्या कि अगर आपका फेसबुक आईडी आपके फेसबुक के एप्लीकेशन में लॉगिन है और आप कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जिसमें फेसबुक से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है और आपको फेसबुक का पासवर्ड पता नहीं है, लेकिन आपका जो फेसबुक आईडी है वो आपके फेसबुक एप्लीकेशन में लॉगिन है, तो यहाँ पर आप बिना पासवर्ड के बहुत आसानी से उस दूसरे एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो जिसमें फेसबुक आईडी से लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है सबसे पहले, उसके बाद फेसबुक के थ्री डॉट पर जाना है जैसे आप बगल में देख रहे हो। तो सिंपल आपको फेसबुक के थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके जस्ट नीचे आपको एकदम आप नीचे जब आओगे तो वहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको उसी सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। अब सेटिंग और प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको फेसबुक के सेटिंग में जाना है। तो वहाँ पर आप नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आपको सेटिंग के अंदर मिल जाएगा जो कि होगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन का। तो सिंपल आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर। तो आपके सामने कुछ और इंटरफेस आएंगे, कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर नीचे आपको देखने को एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन ऐप। तो इस तरह का एक ऑप्शन आपको तीसरे या चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा। तो गाइस, सिंपल आपको करना क्या है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेशन ऐप। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने ये एक इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पर लिखा होगा गेट कोड या फिर जनरेट कोड, इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको वहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन का नेम डालना है जिस एप्लीकेशन में आप अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन करना चाहते हो, जिस एप्लीकेशन में आपको फेसबुक आईडी लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि पबजी हो गया या फिर कैरम, कुछ भी ऐसा आप मान सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको फेसबुक से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। तो सिंपल आपको उस एप्लीकेशन का नेम एकदम प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पर इंटर करना है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेम बिल्कुल आपको सही इंटर करना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो उस ऐप का नाम जैसे आप यहाँ पर इंटर करते हो और जनरेट कोड पर क्लिक करते हो, तुरंत ही आपके सामने कुछ कोड आ जाएंगे, कुछ ABCD इस तरह के अल्फाबेट के कुछ इस तरह से आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपको उन्हीं अल्फाबेट वर्डों को कॉपी करना है और उस एप्लीकेशन में जाना है जहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। उस पासवर्ड के कॉलम में सिंपल आपको यही जो आपने नंबर यहाँ से कॉपी किया है जो आपको यहाँ पर मिला है, सिंपल आपको इसे पासवर्ड में जाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल गो कर देना है और आपके फेसबुक आईडी बहुत सॉरी आपका वो एप्लीकेशन बहुत आसानी से फेसबुक से लॉगिन हो जाएगा, आपको फेसबुक पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ये जो फेसबुक का सेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, बहुत कम ही लोग इस सेटिंग के बारे में जानते होंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूज़ जरूर कीजिएगा। तो गाइस, कुछ इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो अपने किसी भी एप्लीकेशन में बिना फेसबुक के पासवर्ड के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।